उम्मीदवारों के प्रथम चरण के मतगणना के परिणाम इस प्रकार है। रामप्रसाद सूर्यवंशी जी को 19, चंद्रपाल सिंह जी सोलंकी को 12, प्रवीण शर्मा जी को 30 और अशोक कुमार वर्मा जी को 35 मत मिले हैं। निरस्त मत 4 हैं। ये प्रथम चरण की गणना के परिणाम आपको बताएं। देवास जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद एवं सभी पदाधिकारियों के चुनाव आज देवास जिला कोर्ट में हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में सभी वकील मौजूद रहे। देर रात तक चले इस निर्वाचन प्रक्रिया में अशोक वर्मा अध्यक्ष बने, साथ ही उपाध्यक्ष पंकज पंडे, महिला उपाध्यक्ष गीता शर्मा, सचिव अतुल पंड्या, सह सचिव जितेंद्र ठाकुर, कोषाध्यक्ष दीपेंद्र तोमर के साथ ही पुस्तकालय सचिव श्वेतांक राजा शुक्ला चुने गए। अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद अशोक वर्मा ने क्या कहा, सुनिए। अभिभाषक संघ के चुनाव में आपको विजय प्राप्ति हुई है, क्या कहेंगे? बस ये मेरे दोस्तों की और मेरे साथियों की और जूनियर अधिभाषकों की जीत है। अच्छा, ये बता दें कब चुनाव लग रहा था, एकाएक पूरा उल्लेख हो रहा है, क्या कारण था? ये जूनियर लोगों के बारे में जो मैंने स्कीम लॉन्च की है, उन लोगों को उनसे प्रभावित हुए वो लोग, और उनको उनका अच्छी लगी स्कीम, इसलिए मुझे जिताया है। अच्छा, आपके आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की सभी को इस प्रोसेस को डिग्निफाइड बनाना, और दूसरा सभी जूनियरों को एक साथ वेल एजुकेट करके जुडिशियल डिसिप्लिन कायम करना। अच्छा, बार एसोसिएशन के अंदर उत्साह का माहौल है, पूरे बार एसोसिएशन के उत्साह का माहौल है, क्या कहेंगे आप? बहुत खुशी का माहौल है ये। मजबूत टीम के मजबूत इरादों की जीत है।